हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है दानिश राबी रितिलाल ब्लॉग्स। दोस्तों आज ब्लॉग काफ़ी दिन बाद मैं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे फ़ोन का डेटा ख़त्म हो गया है और ऐसा कुछ काम है भी नहीं क्योंकि कहीं नहीं जा रहा हूँ। गाइस सच्ची बता रहा हूँ, सिर्फ स्कूल जाना है, लेके आना है। वो स्कूल बहुत दूर नहीं है, 2 मिनट का रास्ता है स्कूल जाने का। तो काफ़ी दिन हो गया था और अभी टाइम है फजर का, तो मैंने अभी नमाज़ पढ़ी और सोचा कि थोड़ा टहल लेता हूँ क्योंकि नींद नहीं आ रही थी। रात में थोड़ा जल्दी सो गया, तब काम नहीं है तो जल्दी सो गया था। अब जल्दी उठ गया तो मैंने सोचा थोड़ा टहल लेता हूँ। तो अभी मैं टहल रहा था तो मेरे बाबा आए, बोले क्या कर रहे हो, सोए नहीं क्या? हमने कहा टहल रहा हूँ, नींद नहीं आ रही। बोले ठीक है, कोई बात नहीं। तो अभी 6:30 के आसपास मुझे मोहम्मद को छोड़ने के लिए जाना है, उसके बाद 11 लेके आना। कोई काम वैसा है नहीं, होगा तो मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए अभी नाश्ता वगैरह करते हैं, अभी इतना टाइम नहीं हुआ लेकिन तो कुछ बनाते बनाते हैं, उसके बाद नाश्ता करते हुए देखते हैं क्या करना है क्या नहीं। और अभी टाइम हो रहा है लगभग 5 बज गया है और काफ़ी सुबह हो गई, देख सकते हैं आप लोग। तो दोस्तों मैं भी आया था मोहम्मद को मदरसे छोड़ने के लिए और मैंने भी उसे छोड़ दिया है। अभी जा रहा हूँ मैं घर और बहुत तेज़ नींद लगी हुई है क्योंकि उसकी वजह है आज मैं लगभग 12 सोया था, उसके बाद मैं 1 फिर उठ गया, उसके बाद फिर 4 उठा नमाज पढ़ने के लिए, उसके बाद 5:30 नींद आई, फिर 6 उठ गया। बिल्कुल नींद पूरी नहीं हुई है। क्यों उठा है, उठा था, अभी जा रहा हूँ, पहले सोऊंगा उसके बाद फिर 11 उठना है मोहम्मद को लेने जाने के लिए। तो पहले फटा से गाड़ी पार्क करते हैं, उसके बाद चलते सोने के लिए। Few moments later. तो दोस्तों अभी हो गया टाइम लगभग 11 था, अभी हो रहा है 11:40। मैंने मोहम्मद को लिया, अब मोहम्मद के साथ 4 लग गए पीछे पीछे, उनको भी घर छोड़ना पड़ेगा। अभी तो पहले बर्गर खाएंगे, खाना खाएंगे, ये खाएंगे, वो खाएंगे, उसके बाद जाएंगे। अभी बज गया पौने बारह बज गया है, तो अभी ये गए हैं बर्गर वगैरह लेने के लिए, भी वहाँ खाएंगे, उसके बाद घर जाएंगे। तीनों को छोड़ना पड़ेगा, उसके बाद अपने घर जाने को मिलेगा। ये पीछे लग जाते हैं ना तो बहुत दिमाग ख़राब होता है। चलो ठीक है, इसी बहाने कम से कम ड्यूटी करने को मिलेगा, वरना खाली मदरसे जाना, मदरसे से वापस आना, ड्यूटी लग रही थी इसकी वजह से मैंने भी कहा चलो चलते हैं। ये लोग गए बर्गर लेने, वेट करते हैं बाहर, क्या करेंगे। 1000 years later. दोस्तों अभी टाइम हो रहा है लगभग 5:20 और अभी मैं थोड़ी देर पहले अपने कफील के लड़कों को और कफील के लड़के के एक दोस्त को लेके निकला हूँ, इधर उधर घुमा रहा हूँ। अभी शायद वो लोग आइसक्रीम खाने गए हैं, अभी मैक गए थे, मैकडोनल्ड वहाँ गए, पता नहीं टाइम पास करने गए थे, वहाँ गए ऑर्डर देने, उसके बाद कैंसिल करें फिर भाग गए। तो अभी मैं इन लोग को लेके यहाँ पर आया हूँ, पीछे एक आइसक्रीम पार्लर है तो वहाँ पर अभी ये लोग गए हैं। गाइस मेरी वीडियोज इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि यार कोई ऐसा टॉपिक ही नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि टॉपिक ढूंढना मतलब कि जैसे कि ऐसा कोई टॉपिक हो जो आपको इन्फॉर्मेशन के लिए हो। तो अभी जो अगली वीडियो शायद आए इंशाल्लाह बैंक से रिलेटेड आएगी, कि जैसे कि मैं ही हूँ, अभी मैं पहली बार, अगर आपकी सैलरी मिलेगी तो मैं पहली बार बैंक जाऊँगा, तो मैं जाऊँगा आप लोगों को बताऊँगा कैसे पैसे जमा होते हैं, और हो सकता है मैं अकाउंट भी खुलवाऊँगा। तो अकाउंट कैसे खुलेगा, क्या होगा क्या नहीं, मैं फुल इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दूंगा। तो अभी ये लोग यहाँ पर पीछे गए हैं, अब कितनी देर लगाएंगे मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैं अभी पार्किंग में वेट कर रहा हूँ। तो अभी देखते हैं कितना टाइम लगाते हैं, कितना टाइम नहीं। तो बस यही था आप लोगों से बताने के लिए, अभी सुबह के बाद जब मैं उसको ले के आया हूँ, उसके बाद मैं अभी निकला हूँ घर से लगभग 5:20 पे। अभी देखो कितनी देर में वापस आते हैं ये लोग, क्या है क्या नहीं। अभी इन लोग को एक होटल में फेंक के आ गए हैं, तो ये लोग हमसे बोल रहे हैं कि अभी हम लोग फिनिश कर लेंगे तो कॉल करेंगे, तो आ जाना है, आधे घंटे पौन घंटे तो लगेंगे कम से कम। लोग जाते हैं दोस्त के रूम पे, जाते हैं अपने रूम पे नहीं जाएंगे, अगर वो होगा ड्यूटी पे नहीं होगा तो फिर। अभी एकदम से मौसम भी ख़राब हो गया, थोड़ी देर पहले 10 मिनट पहले एकदम से बदली छा गई, तो बारिश वारिश हो गई, मौसम हल्का ठंडा हो गया, हल्का सा मौसम ठंडा हो गया है क्योंकि एसी से पता चल जाता है ना, एसी काम करेगी अच्छे से तो समझ लो बाहर का मौसम ठंडा है। और अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, 5:30 है, तो अभी
दोस्त रूम पर है, खड़ी करते हैं वहीं पर गाड़ी, उसी से बतियाते हैं। ये है हमारे दोस्त का रूम, ये उसकी गाड़ी, ये चलाता है। इतफाक से वो भी रूम पे नहीं है, मतलब गाड़ी खड़ी है, पता नहीं शायद इसके इसके खालिक लड़का यहाँ पर नज़दीक में से शायद वहाँ गया होगा, तो अब पता नहीं कितनी देर में आएगा कितनी देर में नहीं। क्योंकि गाड़ी अमूमन उसका मतलब दो हॉर्न मारो आ जाता है बाहर, लेकिन अभी है नहीं, तो क्या कर सकते उसके लिए। तो चलते हैं, खड़ा हो गया हूँ क्योंकि मेरे फ़ोन में डेटा नहीं है, तो मैंने सोचा क्योंकि ना क्यों ना उसका वाईफाई चलाया जाए, तो अगर थोड़ी देर में वो आ जाएगा तो ठीक है, वरना चले जाएंगे, थोड़ा घर पर बात वात कर लेते हैं, वीडियो कॉल वगैरह तो भी देखते हैं। तो मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी थी, बात ये करनी थी कि मेरे कुछ सब्सक्राइबर लोग बोल रहे थे, भाई आप जब गए तो आपका कितना पैसा लगा था। तो भाई लोग, जब मैं आया था उस टाइम पे क्वारंटीन का टाइम था, तो उस टाइम पे थोड़ा पैसे ज़्यादा लग रहे थे, लेकिन नॉर्मल लोगों से जो और लोग जो आए हैं मेरे साथ, होटल में काफ़ी लोग थे, उन लोगों से कम मेरा पैसा लगा था। उस टाइम पे जो चल रहा था 1,20,000 1,30,000, क्योंकि क्वारंटीन था, क्वारंटीन में होटल वगैरह खाना पीना, तो उसके लिए थोड़ा महंगा पड़ा था, उस टाइम पे टिकट वगैरह भी महंगा था। लेकिन अभी क्वारंटीन वगैरह सिस्टम ख़त्म हो गया है, अब मुझे ये नहीं मालूम कि जो ट्रैवल वाले वही सिस्टम से पैसे ले रहे हैं या फिर अभी कम ले रहे हैं। तो जब मैं आया था मुझे लगभग मेरा लगभग 90,000 रुपये ट्रैवल वाले ने लिया था, क्वारंटीन का सारा पैकेज लेके प्लस टिकट वगैरह लेके, और उसके बाद मेरा जो मैंने मेडिकल जो है मैंने खुद से करवाया था, मेडिकल और RT-PCR वगैरह लेके मुझे पड़ गया था 7,000 रुपये, और बाकी मुझे आना जाना दो तीन बार ट्रेवल वाले के पास गया, तो लगभग एक मान के चलो एक पूरा पड़ गया था, तो 1,00,000 के आसपास मेरा पड़ा था क्वारंटीन के टाइम पे, और नॉर्मल लोगों का 1,20,000 1,30,000 पड़ रहा था। मैंने एक जगह और बात किया था, मेरा डन भी हो गया था, मैंने उसको 20-25,000 रुपये लगभग दे भी दिया, 30,000 रुपये तो, लेकिन अल्लाह के रहम करम से अब वो जो था लड़का था ट्रेवल वाला नहीं था, वो किसी से काम कर रहा था, अल्लाह बेहतर जाने क्या था क्या नहीं, लेकिन वो फ्रॉडी था, तो अल्लाह के रहम करम से मेरा वो पैसा वहाँ से निकल आया, लेकिन फिर भी 5,000 रुपये कुछ फंस गया था। तो मैं ये बोलूँगा भाई, जिसको आप जानते हैं पहचानते हैं उसी से आप काम करवाइए, वरना फ्रॉड वाला काम ना हो कि पैसे लेने के बाद काम सही ना हो, ये वो, जिस पर आपको भरोसा एतमाद हो उसी से काम करवाइएगा। और कुछ लोग बोल रहे थे, भाई आप लोग आप कहाँ से काम करवाए थे, तो मैंने लखनऊ में एक ट्रेवल वाले हैं, तो मैं ऐसा नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा उनको जानता हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह मेरा अच्छा काम करवाया है, बाकी कफ़ील अच्छा मिलना ना मिलना हो तो आपकी किस्मत के ऊपर होता है, तो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह काम वगैरह अच्छा हुआ। उन्होंने बोला था, बेटा तुमको कफ़ील मतलब कि जिस काम में जा रहे हो वही काम मिलेगा, बाकी कफ़ील वगैरह काम है वो तो आपकी किस्मत के ऊपर है। तो सच है, कभी भी आप किसी से वीज़ा लेंगे वो बोलेगा भाई तुमको हम ड्राइविंग का काम दिलवाएंगे, बाकी कफ़ील कैसा होगा उसका कोई गारंटी नहीं लेगा, तो कफ़ील के ऊपर कफ़ील का काम है तो वो तो आपको किस्मत के ऊपर है। अभी लगभग मेरे थोड़ी नज़दीक पे एक लड़का आया है, उसका लगभग 75,000 रुपये लगा है, मैंने उससे पूछा था। तो अब यार सब ट्रैवल वाले एक जैसे नहीं लेते हैं, और बहुत से भाई लोग कमेंट कर रहे थे कि भाई क्या इस टाइम पे वीज़ा वगैरह नहीं निकल रहा है, क्या है क्या नहीं। तो भाई मैं आप लोगों को बता दूँ, ट्रैवल वाले एक ऐसी चीज़ है जो आपको चूतिया बना के रखते हैं, ट्रैवल वाले कभी भी आपको सच नहीं बताएंगे। तो एक में मुझे 5-6 सब्सक्राइबर लोगों ने कमेंट किया, भाई वीज़ा नहीं मिल रहा है, ट्रैवल वाला ये कर रहा है वो कर रहा है, तो भाई ट्रैवल वाला कभी भी आप ट्रैवल वाले के पास जाएंगे तो वो आपसे बोलेंगे इतना पैसा जमा कर दो, पैसे नहीं बोलेंगे तो पासपोर्ट तो आपका रखवा ही लेंगे ताकि मेरा कस्टमर भागे ना, और रखवाने के बाद बोलेंगे बस वीज़ा है आपका काम चालू हो जाएगा, और कुछ दिन बाद ऐसा महीना भर बीत जाता बोलता भाई वीज़ा नहीं काम नहीं हो रहा, वीज़ा का ये है वो है। तो ट्रैवल वाले हमेशा उसको फंसा के रखते हैं, इंशाल्लाह काम हो जाएगा लेकिन जब उनके पास वीज़ा आएगा तब, वीज़ा उनके पास नहीं होता बस वो खाली सबको झूठ बोलते रहते। ट्रैवल वाले कभी नहीं सुधरेंगे, ट्रैवल वाले हमेशा वैसे ही थे और हमेशा वैसे ही रहेंगे, इनको कस्टमर फंसाने के लिए पहले पासपोर्ट वगैरह ले लेते हैं, उसके बाद बोलते रहेंगे अभी वीज़े काम नहीं हो रहा, अभी वीज़े नहीं आ रहे हैं, अभी सब बंद पड़ा है, बाकी ऐसा कुछ नहीं, उनके पास वीज़े नहीं होते, जब उनका वीज़ा आ जाता है तब वो लोग काम करवाते हैं।
तो ये मत सोचिए कि वीज़ा काम नहीं, वीज़ा का काम हमेशा चालू रहता है, बस कभी कोई ऐसे कोरोना काल वगैरह था तो उस टाइम पे बंद था, लेकिन अभी वीज़ा वगैरह काम चालू, वीज़े निकल भी रहे हैं, वीज़ों का काम भी हो रहा है। अगर आपका ट्रेवल वाला बोल रहा है कि वीज़ा नहीं मिल रहा है या वीज़ा काम नहीं हो रहा तो उसके बाद वीज़ा नहीं है, वो झूठ बोल रहा है। थोड़ा सब्र करिए, इंशाल्लाह हो जाएगा। ऐसा नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप उसे ले लीजिए, ये है वो है, उसको गाली दीजिए, उससे बोल दिए भाई जल्दी जल्दी करवाइए, नहीं करवा पाया तो बता दीजिए आप साफ, बस इतना है। तो बस यही बताना था, मेरे बहुत से सब्सक्राइबर लोग मुझे कमेंट कर रहे थे और मैं अभी इस टाइम पे 3-4 दिन से किसी को रिप्लाई नहीं दे पा रहा हूँ। उसकी वजह है क्योंकि मेरे फ़ोन में नेट नहीं है। अभी देखिए मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, वाईफाई चला रहा हूँ दोस्त के फ़ोन से, दोस्त के घर में। तो अभी मुझे भी अपने घर पर बात करनी है, 2 दिन से मैंने बात नहीं किया, तो अब मैं वीडियो कॉल करूँगा तो मैं बात करूँगा। तो अगर रिप्लाई नहीं दे पा रहा हूँ 26 तारीख के बाद मैं अपडेट कराऊँगा, तो उसके बाद ही मैं किसी को रिप्लाई, या बहुत से मेरे सब्सक्राइबर लोग हैं जो पूछना चाहते हैं तो वीडियो कॉल वगैरह करते हैं, तो उनको अब 26 तारीख के बाद ही मैं ऑनलाइन मिल पाऊँगा ठीक से। तो बस यही था अपना, अभी लड़कों लोग को छोड़ के आया हूँ, जब वो लोग कॉल करेंगे तो फिर जाएंगे, तब मैं यहाँ पर बैठ के घर पर अपने बात कर लेता हूँ। तो मिलते हैं बाद में, देखेंगे रात में ड्यूटी लगती है नहीं, अभी इतने दिन से तो नहीं लग रही है, लेकिन अब देखो रात में लगती है या नहीं, तो देखते हैं, मिलते हैं बाद में। तो दोस्तों मैं अभी मगरिब की नमाज़ पढ़ के बाहर निकला था, तो जो मेरे सामने भाई खड़े हैं दोस्त हैं, ये अक्सर मस्जिद में मिलते रहते हैं, मेरे रूम के बगल में इनकी बेकरी है, मतलब कि वहाँ पर काम करते, तो अक्सर बोलते भाई आया करो आया करो, तो आज मुझे ज़बरदस्ती लेकर चले आए हैं। तो मैं भी बैठा हूँ, कोई ड्यूटी वगैरह है तो टाइम पास कर लेते हैं यहाँ पर। दोस्तों अभी टाइम ऐसा का और अभी कहीं की ड्यूटी नहीं लगी है, मैं दोस्तों को लेके आ गया तो उनको घर पर छोड़ के आ गया। पीछे देख सकते मौसम इतना ख़राब है, बहुत ही तेज़ हवा चल रही है, लेकिन शुगर है थोड़ा, मतलब जितनी गर्मी होती है इस टाइम पे बहुत ज़्यादा गर्म हो रही है। नॉर्मल टेम्परेचर यहाँ का समझ लीजिए 42-43 टेम्परेचर है, और मुझे कुछ लोगों ने बताया कि अभी ये और जाएगा, 44-48 तक जाता है लास्ट। तो अभी मैं जा रहा हूँ अपने दोस्त के वहाँ पर, अभी थोड़ी देर में अजान होने वाली है, देखते हैं अभी कहीं की ड्यूटी लगेगी तो लगेगी, वरना फिर एंड करेंगे व्लॉग। अब मुझे मालूम नहीं कहाँ जाना है, क्योंकि 2 दिन कंटिन्यू मैडम मेरी पार्टी में गई है, कल सिर्फ खाली था जो नहीं गई है रात में, वरना रात में जाती हैं वहाँ पर, जाके मैं एसी चला के सो जाता हूँ, रात में खाना आता है खाना खाता हूँ, फिर लेटा रहता हूँ, नींद आती तो ठीक है, अब फ़ोन में डेटा नहीं इसलिए फ़ोन भी नहीं चला पाता हूँ। अब देखो 26 तारीख को मेरी सैलरी मिलेगी, तो उसके बाद डलाऊँगा डेटा, 90 रियाल भाई साहब कम थोड़ी ना होते हैं, 1800 रुपये होता है इंडिया का। तो मैं दोस्त के रूम पर पहुँच गया हूँ, मैं वहाँ जाऊँगा थोड़ा वाईफाई वगैरह कनेक्ट करूँगा, थोड़ा यूज़ करूँगा, उसके बाद 10-15 मिनट बाद अजान हो जाएगी, नमाज़ पढ़ूँगा, रात को ड्यूटी लगनी होगी तो ठीक है, वरना ब्लॉग इन करेंगे। फिर अगला ब्लॉग जो आएगा शायद थोड़ा इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग होगा, उसको ज़रूर देखिएगा। चाय खूबसूरती देखो खाली, भैया कितनी सफ़ेद चाय बनाई ने भाई, प्योर दूध की, क्या बात है। तो दोस्तों जैसे मैंने आप लोगों को बोला था कि अभी रात में हो सकता ड्यूटी लगेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। तो मैं भी अपने दोस्त के वहाँ पर गया था, वहाँ पर बैठा था, टाइम पास कर रहा था, अभी बज गया लगभग 11, तो 9 बजे के पहले अगर फ़ोन आया तो ड्यूटी लगेगी, 9 बजे के बाद अगर फ़ोन आता ही नहीं है ड्यूटी लगती नहीं, 9 बजे के बाद ड्यूटी नहीं लगती है। तो अभी बज गया 11, तो अभी जा रहा हूँ मैं रूम पर, भाई खाना ना बना रहा था तो टाइम पास हो गया, नेट वगैरह भी चला लिए, फ़ोन में डेटा है नहीं, तो अभी जा रहा हूँ रूम पर। मैं भी कुछ मतलब कि मैंने चावल वगैरह बना लिए थे और सब्जी बना ली, तो अभी चलते हैं खाना खाते हैं, उसके बाद देखें कुछ है नहीं। फिर सुबह क्या है, सुबह वही ड्यूटी, मोहम्मद मदरसे छोड़ना है, वहाँ से लेके आना है, और कल है 24 तारीख, आज है 23, आज 23 तारीख है, तो मिलते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, कि मेरे भाई लोग बोलते हैं भाई वीडियो डेली डालो, मतलब कि कुछ ना कुछ तो दिखाओ ही कि वीडियो कंटिन्यू आनी चाहिए, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो लाइक करें, नहीं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी न्यू वीडियो के साथ, न्यू व्लॉग के साथ, अल्लाह हाफिज़।